गाइस, दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। आज के इस इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर में मैं आपके सामने बात करूंगी बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। देखिए, डेटा को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की, और स्टैटिस्टिक्स की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, इट इज़ जस्ट द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पर इन पाँच फंक्शंस में से ये सेकेंड वाला फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने कलेक्शन ऑफ डेटा की बहुत अच्छे से बात की है, डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी, और उनके कलेक्शन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, और डेटा के कलेक्शन के जो दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मैथड और सैम्पल इन्वेस्टिगेशन मैथड। यानी इससे पहले हम कम्प्लीटली कलेक्शन ऑफ डेटा पर डिस्क्रिप्टिव बात कर चुके हैं। तो आज हम बच्चों बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि डेटा का क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। यानी अभी हम बात करते हैं कि हम क्यों डेटा को क्लासिफाई करें। देखिए, बहुत सारा जब हमारे पास मास डेटा अवेलेबल है, बल्कि डेटा अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में हमें डेटा को क्लासिफाई करना जरूरी होता है। सोच कर चलिए, सारे ही स्टूडेंट्स यानी सारे सेक्शंस की बात कर ली जाए तो 300 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, और बढ़ाएं यदि आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 4000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही पाली ज़िले के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आई थिंक ये 7000 या 8000 के करीब होंगे। लेकिन यदि मैं पूरे ही जोधपुर डिवीज़न यानी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये संख्या बढ़कर लाखों में हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हमारे पास लाखों में एन अवेलेबल है, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 1 लाख से भी ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेटा बहुत ही कन्फ्यूज़िबल हो जाएगा, बहुत मास डेटा हो जाएगा जिस पर काम करना रियली मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही हम डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं, चाहे वो बॉयज़ गर्ल्स के वे में हो, चाहे नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पर हो, एज के बेसिस पर हो, क्लासेस के बेसिस पर हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हम यदि डेटा को क्लासिफाइड कर देते हैं, तो उसे समझना भी आसान होता है और साथ ही उस पर काम करना भी आसान होता है। हमारे रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन्ड होता है, स्पष्ट होता है। तो इसलिए बच्चों हमें डेटा को क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है। अब जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, तो किस तरह से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं डेटा के क्लासिफिकेशन के, तो इन सारे ही मेथड्स की, यानी इन चार मेथड्स मिलेंगे हमारे पास, तो इन चारों ही मेथड्स का एक एक करके डिस्क्रिप्शन में आपको देती हूँ बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब हम अपने डेटा को ज्योग्राफिकल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी हमारी ज्योग्राफिक की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती है। जैसे यदि हम कहें कि अभी जून के महीने में हमारे राजस्थान में कितनी बारिश हुई है, तो देखिए बच्चों, आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया, पूरे राजस्थान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के आपने डेटा कलेक्ट कर लिए, तो राजस्थान में 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों के लिए आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया, तो आपने देखा कि जोधपुर में कितनी बारिश हुई, पाली में कितनी बारिश हुई, उदयपुर में कितनी बारिश हुई, इसी तरह से जयपुर में कितनी बारिश हुई, ये सब चीज़ें आपने कलेक्ट की और उसको ज्योग्राफिकल डिवीज़न के बेसिस पर आपने बांट दिया। यानी इस तरह का क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। यदि हम थोड़ा और आगे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, तो अभी तक की बात करें तो कई लाख मामले सामने आ चुके हैं और अभी 1 करोड़ संक्रमित हमारे कोरोना के पूरे वर्ल्ड में हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए किस तरह से ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, इंडिया में कितने मामले हैं, चाइना में कितने मामले हैं,
अमेरिका में कितने मामले हैं, ब्राज़ील में कितने मामले हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में कितने मामले हैं। तो यानी ज्योग्राफिक के बेसिस पर, ग्लोब में जो हमारी जगह है उन जगहों के बेसिस पर यदि हम अपने डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, तो ये कहलाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये अगेन हमारे रिसर्च पर्पस पे डिफाइन करता है कि हम अपना क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाउ हमारे अगले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखिए क्लासिफिकेशन कहेंगे, देखो अभी जब भी आप अखबार उठाते हैं तो सबसे पहले कुछ ग्राफ्स नज़र आते हैं, यानी कोरोना के मामले जो 1 तारीख को कितने थे, 15 तारीख को कितने थे, 30 तारीख को कितने थे, ये सारा क्लासिफिकेशन बच्चों टाइमली क्लासिफिकेशन कहला रहा है। यानी हम यहाँ टाइम के किसी भी यूनिट के बेसिस पर अपना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। टाइम की यूनिट की यदि आप बात कर रहे हो बच्चों, तो टाइम की यूनिट के मैं बारे में आपको बता दूँ, सेकंड टाइम की यूनिट है, इसी तरह से मिनट भी टाइम की यूनिट है, इसी तरह से आवर्स भी टाइम की यूनिट है, इसको और बढ़ा कर दें तो डे भी टाइम की यूनिट है, इसे और बढ़ा करें तो 15 डेज को हम फोर्टनाइट कहते हैं, ये भी टाइम की यूनिट है, इसे और बढ़ा करें तो मंथली, 6 मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, डिकेड्स, इन सारे ही बेसिस पर यदि हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, तो ये टाइमली क्लासिफिकेशन कहलाता है। कुछ अच्छा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। मान लीजिए 2012 में आपका रिज़ल्ट क्या रहा, 2013 में आपका रिज़ल्ट क्या रहा, 2014 में क्या रिज़ल्ट रहा, 2015 में क्या रिज़ल्ट रहा, 2016 में क्या रिज़ल्ट रहा, ये सारे ही रिज़ल्ट के लिए यदि आपने अपना डेटा फिल कर लिया तो अगेन ये टाइमली क्लासिफिकेशन होगा। और यहाँ पर हमारी यूनिट ऑफ टाइम क्या है, ईयर बेसिस पर। यदि हम बात करते हैं कि सन 2000 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी, 2011 में हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 2021 में जो कि हम जनगणना होने वाली है, 2021 में हमारी जनगणना कैसी कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर डिकेड्स की बेसिस पर हर 10 साल के अंतराल में हमने यहाँ पर अपने डेटा का क्लासिफिकेशन किया है। इसे छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा करके बात करते हैं, किसी पेशेंट के टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखिए जब कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है, कोरोना का कोई पेशेंट जो क्रिटिकल है, तो उसका हम हर 10 मिनट में उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो देखिए 10 बजे उसका टेम्परेचर क्या था, 10:10 पर उसका टेम्परेचर क्या है, 10:20 पर उसका टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें जब टाइमली बेसिस पर होने लग जाती है, जब हमारा डेटा का क्लासिफिकेशन टाइमली बेसिस पर है, तो उसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कहेंगे। अगली बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों इस क्लासिफिकेशन में हम डेटा को क्वांटिटेटिव वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी संख्या के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैडम हमारा डेटा ही खुद संख्या है, तो संख्या को संख्या के आधार पर कैसे विभाजित करेंगे? तो देखो बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। आपकी क्लास के 10 बच्चों के मास्क के बारे में बात करती हूँ, 0 मार्क्स आए हैं, 0 मार्क्स रहे हैं 0 स्टूडेंट्स के, 1 नंबर आया है 0 स्टूडेंट्स के, इसी तरह से 5 नंबर आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, इसी तरह से 8 नंबर आए हैं 2 स्टूडेंट के, इसी तरह से 10 नंबर आए हैं 4 स्टूडेंट्स के। देखिए हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो तो 0 0 4 2 4 है, यानी आपके नंबर्स जो हमारा ओरिजिनली है वो नंबर्स हैं, लेकिन उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया मार्क्स के बेसिस पर, कि 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 5 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 8 नंबर कितने स्टूडेंट्स के और 10 नंबर कितने स्टूडेंट्स के। तो गाइज़ यहाँ पर हमने नंबर्स के बेसिस पर अपने डेटा को क्लासिफाई किया है, तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और एग्जांपल हम देते हैं आपके उसको, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। यदि मैं कहती हूँ कि मेरे भारत में
5,000 रुपये प्रति महीना कमाने वाले कितने कितने लोग हैं, तो मैंने उसका डेटा यहाँ भर दिया। 10,000 रुपये प्रति महीना कमाने वाले कितने लोग हैं, उसका डेटा यहाँ भर दिया। उसी तरह से 50,000 कमाने वाले कितने लोग हैं, तो उसका डेटा मैंने यहाँ पर भर दिया। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन नंबर के बेसिस पर हुआ है बच्चों, तो इसलिए हम कहते हैं इसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जहाँ पर हम क्वांटिफाइड वे में या नंबर्स के बेसिस पर अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तो उसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगली बात करते हैं बच्चों, ये हमारा आखिरी प्रकार है क्लासिफिकेशन का, इट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, इस मेथड में आप डेटा का क्लासिफिकेशन उसकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर करेंगे। अब आप कहेंगे क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो आपका उस क्वालिटीज़, हम डेटा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं, इसके बेसिस पर मैंने यदि अपने डेटा को क्लासिफाइड कर दिया तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा। जैसे हम सेंसस की बात करते हैं, जब हमारी जनगणना होती है, तो इस जनगणना में आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी पाली जिले की जनसंख्या में से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। इन मेल और फीमेल में से फिर इनको आगे क्लासिफाइड किया जाता है, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, इसे और आगे क्लासिफिकेशन करें। ये सब बच्चों क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेसिस पर इसे और आगे क्वालिटी और इसे ज़्यादा क्वालिफाइड करें। मेल जो कि लिटरेट हैं और कितने सर्विस करते हैं या एम्प्लॉयड हैं, सर्विस की जगह ये मैं एम्प्लॉयड की बात करती हूँ, और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। इसी तरह से मेल जो कि इलिटरेट हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। इसी तरह से फीमेल जो लिटरेट हैं तो कितनी एम्प्लॉयड हैं और कितनी अनएम्प्लॉयड हैं। उसी तरह से फीमेल जो कि इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ औरतें में से कितनी एम्प्लॉयड हैं और कितनी अनएम्प्लॉयड है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रही हूँ कि यहाँ पर जब इस तरह का क्लासिफिकेशन आपके सामने होता है तो ये कहलाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी हम अपने डेटा के क्वालिटीज़ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं, तो इसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो इस तरह से गाइस, आज हमने पढ़ा डेटा के क्लासिफिकेशन को, और ये क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पर किया जा सकता है, तो ये आपके सामने मैंने रखा। सो गाइस, थैंक यू, सी यू टुमारो, स्टे होम, स्टे सेफ।